हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वेलकम माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं बेबी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। और कल रात को वहाँ मेले में से आए हम सब 12:30, और फिर हमने क्या बर्तन वर्तन साफ किए क्योंकि हम खाना खा के ऐसे ही निकल गए थे। और 1:30 बजे सोए और आज 6:30 बजे उठ गए क्योंकि हमारी चल रही है पैकिंग। जी हाँ, तो इसके लिए आपको व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा। और आज हमारे किट्टू का बर्थडे भी है। हाँ, चला रही हूँ। बोलो मेरे को बर्थडे विश करो। मैं कर देती हूँ। तो आज इसका बर्थडे है, तो है इसका किट्टू का बर्थडे। तो हमारा प्लान तो मतलब कब से चल रहा था। आप पूछ रहे थे ना छोटी क्यों आई है, तो छोटी हमारी इसलिए आई है कि हम घूमने जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं। 4-5 पता नहीं कितने दिन हो जाएंगे, लेकिन आज मेन हम जाएंगे सांवरा जी और इसका बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए हम निकलेंगे 3 बजे, तो उसकी पैकिंग करेंगे अब। तो बस इसीलिए मैं व्लॉग घर का शूट नहीं करूँगी। क्या है कि बस ये बैग निकाल दिए हैं, बस पैकिंग और अभी हो रहा है। 8:30 बज गए हैं और छोटी हमारा खाना बनाने में लगी है, और हमारे साथ और भी बहुत से हैं। तो आप लोग में आगे तक बने रहिए, आप आगे पता चल जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी आपको ज़रूर बताते जाएंगे। तो कंटिन्यू व्लॉग कर लेते हैं, पैकिंग मिलते हैं आपको फिर कार में बैठने के बाद। हो गए हैं रेडी, टाइम दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले 3:05 और अब हम निकल रहे हैं। देखिए ये बैग, बाय बाय। अब हम आपको कहाँ मिलेंगे? सांवरा जी मिलेंगे। जी हाँ, अब हम आपको डायरेक्ट बिट, पूरी फैमिली है अभी आप व्लॉग में बने रहिए। किट्टू हमारा सोया, इसको उठा के लेना पड़ेगा, आज बर्थडे बॉय है ये। और एक बैग ये है, एक बैग छोटी लेके गई है, और मैं ऐसे ही कपड़े पहन लिए क्योंकि सफ़र करना है, यहाँ से सांवरा जी बहुत दूर है। तो जैसा भी होगा हम व्लॉग में शेयर करते रहेंगे और शाम तक हम पहुँच जाएँगे। और बहुत सारे मेम्बर्स और भी है, तो आप व्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली हम निकल गए हैं। ये देखिए चेरी बाबू खिड़की है, बर्थडे बॉय आ गए हैं। अभी आपको दिखा दें, एक बैग है, एक बैग नीचे, और एक कैंपर है, और एक फैमिली, और कार भी पूरी चेंज होगी आगे चल के, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी देखिए ये रहे हमारे बंदीव जी, छोटी किटू। तो है गाइस, अब हम यहाँ पहुँचे हैं ससुराल, और यहाँ से हम निकलने वाले हैं सांवरा जी विद पूरी फैमिली है। ननंद की फैमिली है, ननंद जी है, नंदोई जी है, नेहा, गोलू, और हम चारों पांचों है। तो यहाँ आए हम, यहाँ से हमने गाड़ी चेंज करी, और चलिए आप भी हमारे साथ सांवरा सेट। व्लॉग में आगे तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है क्योंकि आज का किट्टू का बर्थडे भी है। तो अब हम निकल चुके हैं, ये देखिए हमारी गाड़ी भी हो गई है रवाना। और अभी आपको दिखाते हैं हमारी भी पूरी फैमिली, एक एक मेंबर से आपको मिलवाते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्ट गाड़ी रुकेगी अब मंदसौर से सांवला जी, सांवरिया जी। पहले तो आगे बैठे हैं किट्टू बर्थडे बॉय और बर्थडे बॉय के पापा, और इधर छोटी, और इधर ये रिकॉर्डिंग बन रही है। और नेहा, नेहा हाय। और ये हमारे दीदी, ये हमारे साथ है, ये हमारे जीजा जी, ये तो पहली बार ही आए होंगे शायद व्लॉग में। जीजा जी इधर देखो, हाय कर दो, हाय। और ये हमारे गोलू, गोलू हम दोनों को यहाँ पीछे आया नंबर, गोलू और मेरा, और ये चारों फस के यहाँ बैठ गए हैं। कोई नहीं, मैं तो वाड़ा बैठो ही नहीं, गाड़ी हाँ जी थी वन टेम्पर थी वाड़ा में। लाट चल रहे, बार बार बिस्कुट नीचे गिरे दो, पूरा पूरा नहीं भर देगा ये, कटिंग नहीं करेगी ये तो मानता है नहीं, उतरेगा नहीं, पैसा लगेगा ये तो कटिंग में। देखिए गाइस, यहाँ हो रही है तेल की फुल टंकी क्योंकि अब रात में पता नहीं कब पहुँचेंगे। और बैठने की ये देखिए, यहाँ मेरी सीट, यहाँ फंस के बैठे हैं हम। अब ऐसा ही बने, आप तो अच्छे बैठे हो। ये किट्टू तेरे पापा भी ले रहे थे। ये देखिए टाइम 5:30, और आज कितनी बजे पहुँचते हैं वो आपको दिखाएंगे। फाइनली अंधेरा हो गया है, गाड़ी हमारी एक दुकान पर रुकी, अभी तक सांवरा जी नहीं पहुँचे हम। अभी कहाँ है? मंदसौर। जी हाँ, मंदसौर ही आए हैं, और बर्थडे प्लान था सांवरा जी मनाने का, अब देखते हैं क्या हो क्योंकि ये टाइम 7:09 हो गए, और देख सकते हो अंधेरा हो गया है।
अब देखते हैं बर्थडे कहाँ क्या किसे क्या मनाए, होगा प्लान तो यही मना लेंगे, क्या करो लेट हो गए निकलते निकलते आते सफर में ही। वन रोड भरोसा नहीं है। किटू देख तो वाह यहाँ ही जे तू किटू तो हम पहुंचे नहीं है, रास्ते में रुके मक्खनदार ढाबा, यहीं हम थोड़ा सा रेडी सेडी होंगे, खाना वाना खाएंगे, केक यहीं काटेंगे क्योंकि हम जाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे इसलिए। बाकी प्लान तो यही था सावरा जी का। गोलू कहाँ है? गोलू पाचे रह गए हैं। यहाँ खाएंगे हम खाना, सावरा जी का प्लान तो सो गया था, सुला दिया। केक हमारा यहाँ पड़ा है, उससे पहले हम खाएंगे खाना, उसके बाद हम काटेंगे केक। लो जो भी चूज करना हो फटाफट कर लो। खाना आने में बहुत लेट हो रहा है, सब अपने अपने मस्त है क्योंकि सबको भूख लग रही है तो बात करने की भी टाइम नहीं है। और बर्थडे बॉय बोल रहा है गोलू हमारा खाने लेने गए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं खाने का, कब खाना है कब खाए, ऐसे ही सोच रहे हैं कब खाना है। वो बज रहे हैं। हमारा प्लान तो बहुत आगे का था, सावरा सेठ जाके हम बर्थडे मनाने वाले थे लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि रास्ते में 2-3 जगह रुक गए इसी कारण, और फैमिली बड़ी रहती है तो रुकना ही पड़ता है, और यहाँ पहले खा लेते हैं खाना और यहीं छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे, क्या करो। और यहाँ मंगाई हमने दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी सलाद वगैरह, तो बस इंजॉय खाना वाना खाने के बाद ये रहा हमारा छोटा मोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। सोचा तो बहुत ही बड़ा था कि सांवरा सेठ के दरबार में मनाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए टाइम से, तो इसी कारण चलो कोई नहीं। और ये देखिए यहाँ पर छोटी मोटी सी तैयारी खाना वाना खाने के बाद। तो बर्थडे ये देखिए इस तरह के मनाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा प्लान था बर्थडे का तो, लेकिन क्या करो जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। और यहाँ पर मोमबत्ती से किट्टू को डर लगता है, हालांकि हम कभी केक में मोमबत्ती लगाते नहीं हैं लेकिन फिर भी इसको डर लगाया था, तो ये मोमबत्ती देख के ही भाग गया था, तो फिर इसको पकड़ के लाई और मोमबत्ती ऐसे ही बुझा के मतलब मोमबत्ती निकाल के केक कटवाया। क्या करो बच्चे ऐसे ही हैं। फिर भी जो भी हो गया समय के अनुसार ठीक था, बाकी तो हम अभी सफ़र में, वॉइस आपको समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमारा प्लान बहुत लंबा है, खाटू श्याम वगैरह मतलब बहुत दूर तक जाना है, तो इसीलिए मैं सफ़र में वॉइस ओवर कर रही हूँ। सोचते हैं ना मतलब जो वो कभी नहीं होता है, शायद भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमारे दरबार आके केक में मतलब किट्टू का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाए, तो सावरा जी सेठ ने वहाँ तो आने नहीं दिया हमको बीच रास्ते में ही, और टाइम भी हो जाता सावरा जी पहुँचते, इसीलिए हमने फिर सबने डिसाइड करके एक जगह से केक लिया था, मंदसौर से ही ले लिया था केक तो, और ये शायद मल्हारगढ़ के पास में होटल है मक्खन सिंह का ढाबा, जी हाँ वहीं हमारा छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो गया है। और व्लॉग में बहुत ही मेहनत से शूट करके एडिटिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक कमेंट करने में कोई
कोई बात नहीं, कमेंट जरूर करना आप। खाना खाने के बाद अब निकल गए हैं हम सांवरा जी डायरेक्ट, हमारी गाड़ी अब सांवरा जी रुकेगी। और ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 10:29 मतलब 10:30, और हम 1 बजे पहुँचे थे सांवरा जी, क्योंकि मैं सांवरा जी पहुँचने के बाद ही मोबाइल एडिटिंग वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ एक जगह रुकी थी तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर दिया था, और गाड़ी में सबकी हालत सांवरा जी पहुँचते बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, और नेक्स्ट वीडियो सांवरा शेयर का।